रविवार का वार सलमान खान के साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौतम सिंह विज घर छोड़ के चले गए हैं। हाँ, गौतम सिंह विज का एलिमिनेशन हो चुका है और सौंदर्य और गौतम का जो भी ट्रैक था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या गौतम सिंह के जाने के बाद सौंदर्य का घर में किसी और के साथ कनेक्शन बनता है, या बस उतना ही था, या वो बस एक गेम में बने रहने के लिए फेक रिलेशनशिप, या ये रिलेशनशिप रियल है, अब जाके हमें पता चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौतम को गए 24 घंटे भी नहीं हुएंगे कि सौंदर्य की प्लानिंग प्लॉटिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। अब वो शालीन से इतना ज़्यादा दोस्ती आ रही है, वो बना रही हैं इतना ज़्यादा, अब वो उनको चाय दे रही हैं, आमंड मिल्क दे रहे हैं, उनके हिसाब से बना के दे रहे हैं कि हाँ अब वो चाहते हैं, कि अब वो उनको याद दिला रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपसे ही मैंने दोस्ती की थी, आपके थ्रू ही मैं टीना, गौतम या निमृत से मिली थी, हमारा इक्वेशन ऐसा था, हमारा इक्वेशन वैसा था। तो वो शालीन को भी याद दिला रहे हैं, और अब सौंदर्य की क्या प्लानिंग प्लॉटिंग होगी गेम में बने रहने के लिए, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो ये तो बात होगी कि गौतम और सौंदर्य की कहानी की, बट अब ये बात करते हैं हम यहाँ पे कि कल जो पूरा शो शनिवार का वार जो भी शूट हुआ था या जो भी था, वो पूरा शालीन और टीना के ऊपर था। टीना ने ही सुंबल को बोला था कि येस फील लाइक ईच अदर, बट आज ऐसा क्या हुआ कि टीना शालीन को बोलती है कि डोंट फॉल फॉर मी, आप मुझे को प्रॉमिस करो कि आप मेरे चक्कर में कभी नहीं पड़ोगे, एंड शालीन उनसे बोलते हैं कि आई प्रॉमिस यू आई वोंट फॉल इन लव विथ यू अनटिल अनलेस यू वॉन्ट मी टू फॉल इन लव विथ यू। तो ये ऐसा टीना क्या करना चाह रही हैं? टीना हर जगह दिखाती हैं कि ओ 10/10 शालीन ही सच ऑडी वटेवर उनका जो भी है, बट जहाँ पे आपस में इन दो का इक्वेशन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो इतने कंफ्यूज जोन में छोड़ के इन्होंने हमें रख दिया है कि इनके ऊपर कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि यार एक पॉइंट पे जब लड़ते हो तो तुम तो बोलते हो कि हाँ वी आर इन टू ईच अदर, वी लाइक ईच अदर, बट जहाँ पे तुमको बोलना चाहिए, जहाँ पे तुमको करना चाहिए, वहाँ पे तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम बोल रहे हो कि डोंट फॉल फॉर मी प्रॉमिस मी। तो ये चीज़ तो ना हमें समझ में आ रही है ना जनता को समझ में आ रही है। मैं ये अगर मेरे को मौका मिले टीना से सामने से पूछने का, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप तो हर जगह गा रहे हो कि हाँ वी लाइक ईच अदर, वी लाइक ईच अदर, 5 मेरे को 5 5 मिनट दो, आई कैन काम हिम डाउन और ये सब चीज़ें, पर जब आपको मौका मिल रहा है 2 मिनट 5 मिनट बैठ के बात करने का, तो आप वहाँ बोल रहे कि शालीन प्रॉमिस मी डैट यू वोंट फॉल इन लव विथ मी, वट इज़ दिस, वट इज़ दिस टीना? इसका जवाब तो सबको चाहिए होगा। और दूसरी चीज़, वाई निमृत इज़ गॉड मदर टू एवरी वन, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है दौड़ के निमृत के पास जा रहा है कि हाँ टीना गेंग जैसे दौड़ के कि निम्जी अब तुम मुझे ये बताओ कि ये एग्रेशन था कि नहीं था, मैं उसके पास गई वो मेरे को चिल्ला रहा है ऐसे कर रहा है। अरे यार निमृत जस्ट प्ले योर ओन गेम, आज जैसे सलमान खान ने बोला आपको कि आप खो गए हो घर में, कुछ वजूद कुछ नहीं आ रहा, आप पहले सौंदर्य और गौतम के दोस्ती में पड़ रहे थे, उसके बाद टीना और शालीन के उसमें पड़ गया, अब आप शिव के पीछे पीछे चल रहे हो, उसके थ्योरीज प्रूव कर रहे हो। तो हाँ ये तो मैंने कल के भी रिव्यू में बोला था कि निमृत अब शिव के पीछे पीछे वो भीड़ वाले उसमें चल रहे हैं, अब उनका कुछ नहीं, क्योंकि जो निमृत स्टार्टिंग के हफ्ते में आए थे वो निमृत अब बिल्कुल नहीं रहे हैं। हाँ उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने बताया कि उनको एंगजाइटी इश्यूज़ हैं, वो मेडिकेशन उन्होंने छोड़ दी है जिसकी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट यही है लाइफ, आपको उस चीज़ से उभर के अपने गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा निमृत, और घर में आपको अपना स्टैंड प्रॉपर लेना पड़ेगा, आपको किसी के भरोसे या किसी की डिपेंडेंसी के साथ नहीं चलना, आपको खुद चलना है, अपना एक ऐसा बनाना है अपने आप को कि नहीं लोग आपके पास हैं, आप आपकी थ्योरीज लोग आगे पहुंचाएं, ना कि आप किसी की थ्योरीज आगे लेके पहुंचाएं। अब बात करते हैं प्रियंका की, आज जो भाई साहब सलमान खान ने बैंड बजाई है प्रियंका की, मज़ा आ गया, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, पर्सनली आई लाइक हर वेरी मच, बट 2-4 दिन से या पिछले 1-2 हफ्ते से वो जिस हिसाब से अपने आप को अर्चना 2.0 में कन्वर्ट कर रही है, ये चीज़ किसी को नहीं पसंद आ रही है, किसी को नहीं, क्योंकि वो इरिटेटिंग हो गई है। जैसे अब्दू ने बोला ना कि जब भी कोई लड़ता है झगड़ता है तो अर्चना सॉरी प्रियंका उसमें कूद जाती हैं, चै 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 करती रहती हैं, तो वो फिर ना कान से खून निकल जाता है उस चीज़ से। तो प्लीज़ प्रियंका डोंट डू दिस, और आपका जो पॉइंट है आपका जो भी है वो वैल्यू एक 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 बेहुदा पॉइंट रहता है लड़ने का, कि हाँ मेरे को डर लगता है आता भाई से कहीं ये चीज़ मेरी ना हो जाए, क्योंकि बिग बॉस इज़ द सेफेस्ट हाउस, वहाँ पे कुछ होने से पहले ही रोक दिया जाएगा, या कुछ ऐसा होगा कि इतनी ऐसी एक्सटेंड चीज़ें नहीं हो जाएंगी कि कोई आपको आके मार दे। तो आपको बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो आपने फालतू का इतना लंबा चौड़ा फुटेज लिया जिससे आपकी बेइज्जती हुई, आपका ही गेम ख़राब हुआ, एंड आपके चक्कर में वो बेचारा अंकित भी घिस गया जो कि आज सलमान खान ने बोला है। तो
इट्स बेटर टू जस्ट प्ले योर ओन गेम, नॉट टू क्या बोलते हैं उसको, भट्टे में टांग लड़ाना सबके, मत करो, अपनी गेम खेलो। अच्छे से खेल रहे थे स्टार्टिंग के हफ्ते में, बहुत मज़ा आ रहा था आपको देख के, बट अब नहीं मज़ा आ रहा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, रत्ती भर भी मज़ा नहीं आ रहा आपका गेम देख के, क्योंकि आप फिर वही सेम चीज़ रिपीट करो। कोई लड़ाई हो रही है, दौड़ के कूद जाओ, दौड़ के कूद जाओ, दौड़ के कूद जाओ, दौड़ के कूद जाओ, क्या है, हाँ क्या कर रहे हो आप। एंड सुंबुल यार, सुंबुल आपको समझाना बेकार है, आपके सामने ऐसे बजो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोग बज रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हाँ आप बस व्हाट इज दिस। अरे यार तुमको अभी समझा गया है कि तुमको को तुमको यू आर ऑब्सेस्ड विद शालीन या जो भी है फलाना ढिमकाना, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि हाँ वाई इज ही रूड टू मी, वाई इज ही रूड टू मी, हाँ ठीक है मेरे से हो गया, मैंने लाइटर नहीं दिया उनको, बट इतना रूड होने की क्या जरूरत है। अरे यार तुम्हारा गेम खराब हो रहा है उस चक्कर में, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है उस चक्कर में, और तुम्हें अभी भी इस चीज़ की पड़ी हुई है कि वाई इज ही रूड टू यू, वाई इज ही रूड टू यू। अकल है, अकल नहीं है तो प्लीज़ लो, तुम्हारे पापा आके कह के गए हैं, घर वाले ही समझा रहे हैं तुमको, सलमान खान ने पूरा एक एपिसोड तुमको दिया इस चीज़ के लिए। अब अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और हाँ ये चीज़ तो मैंने पॉइंट आउट करना मैं भूल गया कि सुम्बुल ने बताया है कि शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड आउटसाइड ऑफ द हाउस, बट उनका कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है। तो इतना कुछ है तो उसके बाद घर में भी ऑब्सेशन, बाहर भी ऑब्सेशन, मतलब सुम्बुल ही रियल प्लेयर निकली फिर तो। बट यहाँ घर में वो वाला ऑब्सेशन तो उनके भारी पड़ रहा है, एटलीस्ट इस चक्कर में बाहर वाला जो है तुम्हारा उसको तो मत बेकार करो, उसको तो सही सलामत रखो। तो अब आते हैं अर्चना पे, अर्चना ओके भाई मज़ा आता है उसके साथ, उसको देखने में, जैसे कि आज उसने ना जो प्यारे की वो क्या था, वो पत्ते थे डरना क्या जब प्यारे, वो इतना फनी था, इतना फनी था कि मेरे को बड़ा मजा आया। अब पता नहीं आपको कितना मजा आया, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बिग बॉस ने प्रॉपर फोकस किया था एंड दैट वाज लिटरली फनी। और उस जब वो गाना गाने तो शालीन, अर्जुना डोंट सिंग दिस सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे पता है आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आप मुझे इंस्टिगेट करना चाह रहे हो। अरे यार आपकी लड़ाई हुई है टीना से, आप जानो वो जाने, अगर अगला इंसान कुछ कर रहा है अपनी मौज मस्ती ले रहा है तो क्यों मना करना उसको। यही यही फेकनेस, यही डमनेस जो लोग बात करते हैं आपकी, यही है कि ये जो एक्स्ट्रा आप दिखाते हो ना कि अर्चना डोंट डू दिस, डोंट सिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। यही यही इसी चीज़ के बारे में आपको पूरा एपिसोड दिया गया समझाने को, बट नहीं आपको समझ में आया, इसी चक्कर में आपको लोग फेक बोल रहे हैं। तो शालीन इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, कभी अगर मौका मिले, ऑब्वियसली आप इसको नहीं सुनोगे ना, आपके पास इतना टाइम हुआ कि आप बैठ के लास्ट रिव्यू सुनोगे, बट अगर मौका लगे मुझे कभी जाने का बिग बॉस के घर में और उनसे पूछने का, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे कैसे बदलते हो एक पॉइंट पे, लवी डवी डोंट डू दिस टू मी, कैसे हो जाता है यार, मतलब जस्ट टीच मी दिस थिंग कि आप कैसे इतना जल्दी स्विच ऑन स्विच ऑफ आपका होता है। ओके अब्दू इज़ वेरी स्मार्ट, ही नोज़ एवरी थिंग, ही नोज़ ईच एंड एवरी गेम, कौन क्या है कैसे है। बल्कि मेरे को तो आज ये भी लगा कि अब्दू ने साजिद को बिट्रे किया है ये बता के कि साजिद ने मना किया था अब्दू को अर्चना से बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मे बी अब्दू को अब गेम समझ में आ रही हो, अब्दू बहुत खेलना चाह रहे हैं और जिसके चक्कर में वो अब मे बी अपना अलायंस बना रहे हो या जो भी उनके दिमाग में है जो भी चल रहा है। बट अगर साजिद ब्रो उनके इतने अच्छे दोस्त हैं, तो साजिद की ये बात कि हाँ उनने मना किया था अब्दू को अर्चना से बात करने के लिए, उनको आके नहीं बताना चाहिए था। बट इट्स ओके, इट इज़ ऑल अबाउट गेम, सो अब वो अपना गेम खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं उनकी मर्ज़ी। बट हाँ एक चीज़ तो बहुत मज़ा आएगा देखने में कि अब सौंदर की गेम स्ट्रांग होती है वीक होती है, ये देखना बनता है, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसकी गेम, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब प्रियंका को अकल आ जाए तो और भी मज़ा आएगा। टीना इज़ वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ, समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ अगर मैं आपके कपड़े सेट करें तो प्लीज़ आपको ये मत लगना कि आई एम इनटू यू। अरे यार व्हाट इज़ दिस, मतलब ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो गई कि हाँ मैं तुम्हारा होमवर्क कर रहा हूँ तो प्लीज़ ये मत समझना कि मैं तुम में इनटू हूँ। अरे मतलब आप सुम्बुल को बोल रहे हो कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आपके एक्शंस तो मतलब क्या है, ऐसे ही कर रहे हो कि मतलब आपके एक्शन भी तो प्रूव कर रहे हैं ना कि आप क्या है क्या नहीं है कैसे है, तो अपने एक्शंस भी तो देखो, तुम किसी और को पॉइंट आउट कर रहे हो कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, योर एक्शंस प्रूव दैट यू आर इनटू वो, तो आपके एक्शंस क्या प्रूव कर रहे हैं, भाई बहन वाले तो प्रूव नहीं कर रहे हैं।
तो प्लीज़ ऐसे मत करो। एंड एट लास्ट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि शेखर सुमन आया घर में, भाई साहब उन्होंने जो घर का जो समा बांध दिया ना, वो मीम वगैरह दिखा के एंड ये प्रॉपर, जिसमें सबसे मज़ेदार लाइन वो थी जिसमें अर्चना ने बोला था कि चार्जर ही गलत है जिसमें अंकित का मोबाइल फ़ोन घुस रहा है। बेसिकली मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि अंकित और प्रियंका में चार्जर कौन है और मोबाइल फ़ोन कौन है, तो अंकित मोबाइल फ़ोन थे एंड प्रियंका चार्जर थी। तो लोगों ने बोला कि ओवर चार्ज हो जा रहा है या प्रियंका का चार्जर ओवर चार्ज कर दे रहा है या चार्जर ख़राब है, जिस पे अर्चना ने बोला कि नहीं चार्जर नहीं ख़राब है, गलत चार्जर है जो फ़ोन में घुस रहा है। तो डैट वॉज़ रियली फनी, क्योंकि हाँ इनकी भी चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही हैं। अभी कहते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, फिर कहते हैं कि इनके एक्शंस ये दिखाते हैं कि नो दे आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, तो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है ये क्या नहीं है। तो आज का एपिसोड तो वॉज अच्छा, आई वॉन्ट से दैट इट वॉज ओ बहुत आउट ऑफ द ब्लू हुआ या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ों ही नहीं, इट वॉज वेरी स्मूथ शो, स्मूथ शो ऑफ बिग बॉस आज वाला दिन। एंड उम्मीद करते हैं कि कल के एपिसोड में कुछ धमाका हो जिसमें हम और सारी मसालेदार बातें कर सकें। तो तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए बिग बॉस, और हाँ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट आवर चैनल। एंड जो भी आपके, अगर मेरे पॉइंट से आपको कुछ भी, अगर आपको करेक्शन करनी है कुछ भी करना है, तो प्लीज़ कमेंट में करना और मज़ा आएगा। भर दो कमेंट्स, लाइक पे लाइक बना दो, व्यूज़ पे व्यूज़ दे दो, मज़ा आ जाएगा। चलो टिल देन टेक केयर, बाय।